मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी को कोरोना होने की खबर पर अंबानी समूह की सफाई सामने आई है। अनंत अंबानी के कोविड 19 पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई थी। इसी बात पर भी चिंता जताई गई थी कि एक दिन पहले ही यानी 1 सितंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंबानी परिवार के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए गए थे। फडणवीस की पत्नी अमृता भी उनके साथ थी। अब इस पर अंबानी समूह ने अपनी सफाई दी है। मुंबई में इन दिनों गणेश उत्सव की धूम है। इस मौके पर बड़े बड़ों से लेकर आम लोग एक दूसरे से मिलने और उनके घर बैठाए गए गणपति बाप्पा के दर्शन के लिए जाते। मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित घर एंटीलिया में भी हर साल गणपति बाप्पा विराजमान होते हैं। इस बार भी उनके घर नेता, अभिनेता और सेलिब्रिटी पहुंचे। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी इसी सिलसिले में उनके घर पहुंचे थे। अनंत अंबानी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर आने के बाद इनके लिए भी चिंता बढ़ गई थी, लेकिन अब अंबानी समूह की सफाई आने के बाद चिंता खत्म हो गई। अंबानी समूह ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है कि अनंत अंबानी को कोरोना हुआ है। अंबानी समूह की ओर से यह साफ कहा गया है कि अनंत अंबानी को कोरोना नहीं हुआ है। इससे पहले यह खबर आई थी कि अनंत अंबानी की तबीयत कल ही अचानक बिगड़ी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए रिलायंस अस्पताल ले जाया गया। यहां हुई जांच की रिपोर्ट में वे कोरोना पॉजिटिव पाए गए, लेकिन रिलायंस समूह ने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। Love you, दीपिका। Bye। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।